के साथ। वाराणसी के शास्त्री घाट पर कुम्हार समुदाय के लोगों की हत्या उत्पीड़न को लेकर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छेदीलाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कुम्हार समुदाय के लोगों की हत्या और उत्पीड़न की घटना हो रही है। समुदाय की बहन और बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। एक साल पहले मैनपुरी में कुम्हार समुदाय के एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन केवल एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। वाराणसी केराकतपुर गाँव में कुम्हार समुदाय के एक प्लम्बर को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उसमें भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। गोरखपुर में विजय प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक महीना भी नहीं हुआ कि मर्डर शॉप में मनीष प्रजापति को पीटकर मार डाला गया। हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। कुम्हार समुदाय पर हो रहे इस घिनौने कृत्य को लेकर ACM 4 पुष्पेंद्र पटेल को शास्त्री घाट पर ज्ञापन सौंपा गया एवं जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी के मार्फत अपने ज्ञापन को उत्तर प्रदेश शासन को उन लोगों ने सौंपा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अब तक कुम्हारों पर लगभग 49 घटने हो चुके हैं। आज मैं 4-5 घटने का मैं जिक्र करूंगा। मैनपुरी में 5 प्रजापति को जिंदा जला दिया गया, जिसमें एक हत्यारा गिरफ्तार हुआ और अभी पूरे हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। एक तो सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक हत्यारे क्यों गिरफ्तार हुए। दूसरी घटना बनारस की किराकतपुर की है। कन्हैयालाल प्रजापति को मामूली 2,500 रुपये दिए, इनके पति जो कि इनकी पत्नी भी आई हुई साथ में हमारी खड़ी है, इनके पति को जो है मामूली 2,500 रुपये के लिए हत्या कर दिया जाता है। उस समय SDM साहब जो है गए थे, तहसीलदार साहब गए थे, 1.5 बीघा जमीन जरूर मिला, लेकिन हमारी मांग 50 लाख का था। उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 लाख रुपया जो है इस परिवार को मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा। लगभग आज 3 महीने हो गया, 1 रुपया भी इनके खाते में नहीं गया और अभी 3 हत्यारे खुलेआम। सच के साथ।